नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जी कैसा पर। मित्रों, हमारा एक वीडियो जो हमारे वीडियो में जिसको आप लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं वो है कठफोड़वा के बारे में, फोड़वा पक्षी के बारे में, जिसमें ये हमने आपको बताया कि कठफोड़वा पेड़ के तने में छेद क्यों करता है, ये बताया था हमने आपको। और उस वीडियो का बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा हमारे पास लोगों ने स्वागत किया है और उसका बहुत अच्छा हमारे पास उसका रिस्पांस यानी प्रतिक्रिया आपकी बहुत अच्छी आई है। और आप में से कई लोगों ने फिर पूछा हमसे कि एक बात तो बताइए, आपने बता दिया कर थोड़ा पेड़ के तने में छेद क्यों करता है, लेकिन एक सवाल और उठता है फिर इस सवाल से कि कठफोड़वा के सर में दर्द क्यों नहीं होता। आपको आपको लगता है ये चीज आसान है, ये चीज वो मेढ़ा है ना जो सर मारता है अपना, मेढ़े पर उसमें सर टकराते हैं जोर से, उनकी टक्कर से भी कई गुना ज्यादा टक्कर को ये झेलता है कठफोड़वा। 5 से 6 मीटर प्रति सेकंड, प्रति सेकंड की गति से ये जाके लकड़ी से अपना सिर मारता है, पेड़ की लकड़ी से 5 से 6 मीटर प्रति सेकंड, और लकड़ी से लगते ही वो चीज शून्य हो जाती है। इसे कहते हैं मंदन, गति बढ़ने की गति को कहते हैं त्वरण, और गति बढ़ने, गति घटने की गति को कहते हैं मंदन। तो इस पे मंदन सोचिए, 5 से 6 मीटर प्रति सेकंड से सीधे जीरो, शून्य, इस गति से सीधे शून्य। एक होता है जी यानी गुरुत्वाकर्षण का, अगर हम मुख्य वन माने गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को, तो अगर किसी चीज पे गुरुत्वाकर्षण से दोगुना प्रभाव पड़ा हो तो कहलाता है कि वो 2G प्रभाव पड़ रहा है, 3G प्रभाव पड़ रहा है, मतलब गुरुत्वाकर्षण का इतने गुना पड़ रहा है। जो हवाई जहाज के चलाने वाले पायलट हैं उनका ये जी टेस्ट होता है, आप इंटरनेट पर देखिएगा, उनका जी टेस्ट होता है, वो 5 से 6G तक सहने में सक्षम होते हैं, कम से कम 4 तो होना ही चाहिए, तब उनको पायलट बनने की अनुमति मिलती है। और लड़ाकू विमान में तो 5 से 6 से नीचे बात ही मत करिए, अगर वो नहीं, क्योंकि इनका गुरु जैसे एकदम से जहाज ऊपर जाता है, एकदम से नीचे आता है, तो उन पे जो गुरुत्वाकर्षण का असर उनके मस्तिष्क पर पड़ता है, 5 से 6 में कई बार लड़ाकू पायलट अचेत हो जाते हैं, ये भी होता है। तो इसलिए आप अंदाज लगाइए कि ये कितना मंदन को झेलता होगा ये कठफोड़वा। बड़े आश्चर्यजनक तथ्य हैं, छोटी छोटी चीजों में बड़े आश्चर्यजनक तथ्य छिपे होते हैं। जरा सोचिए, जहां 5 से 6 में इंसान अचे, चलिए इंसान का मस्तिष्क, इंसान के अगर मस्तिष्क की तुलना ही है उसके शरीर के भार, इंसान का जो शरीर का भार होता है और उसका जो मस्तिष्क होता है उसके अनुपात जो होता है उसके मुकाबले इसका अनुपात करीब 14 गुना ज़्यादा होता है। यानी ऐसे समझिए, अगर 10 किलो का इंसान है, 10 किलो के इंसान का मस्तिष्क मान लीजिए 10 ग्राम का होगा, तो इसका होगा, इसका 10 किलो के कठफोड़वे का मस्तिष्क होगा 140 ग्राम का, यानी करीब 14 गुना ज़्यादा। तो 14 गुना ज़्यादा ये जी में परिवर्तन यानी गति में होने वाला अचानक परिवर्तन या रोकना एकदम से बाद, जो गति एकदम से जाके पेड़ से जाके शून्य होती है, वो 14 गुना तक झेल सकता है। अब इंसान 6, अगर हम कहते हैं कि 6G तक अगर इंसान सहन कर सकता है, तो ये करीब 85G तक सहन कर लेना चाहिए। लेकिन ये कितने जी सहन कर पाता है हमारे कठफोड़वा महोदय, ये हम भूलेंगे नहीं, इनका चित्र हम बनाते रहेंगे बीच में, ये कितने जी तक सहन कर सकते हैं आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा मित्रों, कि कठफोड़वा जी की सहन करने की क्षमता है 1000G तक। यानी जितनी हमारे मस्तिष्क के अनुपात में इनका जो मस्तिष्क होता है उसके हिसाब से हुआ 84-85G, 100G मान लो, तब भी हमारी उस सोच से भी 10 गुना ज़्यादा, 1000G तक ये सहन कर सकता है। इसकी वजह है दोस्तों, 1000G ये सहन कर सकता है, तो इसकी एक वजह है
वजह क्या है दोस्तों इसकी, कि इसकी जो खोपड़ी होती है, ये जो खोपड़ी होती है ना, यहाँ पर खोपड़ी अलग से दिखा रहा हूँ, यहाँ की जो बोन होती है, यहाँ की जो हड्डी होती है, ये थोड़ी नरम हड्डी होती है, ये नरम हड्डी होती है। और एक और बड़ा आश्चर्यजनक तथ्य वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रकृति ने इसे बड़े ट्रिक से बनाया। इसकी पेड़ से छूते हुए इसकी चोंच का निचला हिस्सा जरा सा पहले छूता है और फिर ऊपरी हिस्सा छूता है। कुछ स्कूटर्स में आपने गाड़ी में देखा होगा, ब्रेक लगाओ तो पहले आप पिछला ब्रेक लगाओ, तुरंत उसके बाद अगला दबा दो तो वो गाड़ी फिसलती नहीं और उसका सारा जो गति संतुलित हो जाती है। तो ये जो जरा सा अंतर आता है ना, पहले निचली चोट टकराती और फिर अगली चोट टकराती, तो बल के स्थानांतरण में यानी यहाँ से जो झटका लगा और तुरंत फिर इसके ऊपर लगा, तो ये इसने बाकी का झटका इसने अपने सर ले, इन दोनों भावों में बढ़ जाता है। दूसरे, इसके शरीर का ये जो हड्डियों की बनावट हो इस तरीके से होती है कि जाके तुरंत इसके खोपड़ी से और नीचे की तरफ बलों में ये बल का लगने वाला जोर इसके ऊपर फैल जाए नीचे जाके तुरंत, क्योंकि वो 1000 G लगता है और इस बात को वो दिन में 12000 बार तक कर सकती है। अविश्वसनीय संख्याएं, देखने में एक छोटा सा पक्षी लेकिन 12000 बार। अब 12000 बार 1000 G का बल, जरा 12000 को 1000 G से, 12000 को 1000 से गुणा करिए, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। मगर ये इस पे लगने वाले जो चोट है उसे तुरंत शरीर, और ये चीज पहली मैंने बताया मुलायम होती है, मुलायम होने का फायदा क्या होता है, ये खुद भी जरा सी दबती है जब ये चोंच मारती है लकड़ी में, खुद भी हड्डी जरा सी दबती है तो शॉक एब्जॉर्बर का यानी बल को सोखने का, उसकी ऊर्जा को सोखने का काम भी करती है ये हड्डी, और इस हड्डी पर इसका बल का असर बहुत कम, सेकेंड के 1000 में इससे भी कम देर तक रहता है, ताकि ये एक चोंच जो मारती है और फिर पीछे जाके जो दूसरी चोंच मारती है तब तक इसका असर खत्म हो जाता है और वो तुरंत शरीर में फैल जाता है। इसके अलावा वो सबसे बढ़िया चीज आपको जान के लगेगा क्या, कि इसकी कठफोड़वे की जीभ ये होती है जादुई जीभ। ऐसी जीभ भाई मैंने तो सुनी नहीं, जब मैंने कठफोड़वा के बारे में अध्ययन किया, कठफोड़वा को देखा और इसके कई सारे, इसका ये चोंच है, ये मस्तिष्क यहाँ, और जीभ क्या होता है यहाँ से दो टुकड़ों में बढ़ जाती है, इसके यहाँ से आगे दो टुकड़ों में बढ़ जाती है और दो पट्टियां सी इसके ऊपर जाके इसके सिर के चोंच के सिरे तक, अंदर ही अंदर चोंच के सिरे तक आके लिपटी होती है, यानी एक रबर बैंड बना होता है, ये समझिए कि सीट बेल्ट जैसे बंधी होती है। तो ये चीज तो बहुत ज्यादा इसकी मदद करती है, क्योंकि ये जो जोर पड़ा इसकी चोंच पे वो तुरंत फैलता हुआ खोपड़ी को पूरी ऊर्जा देता हुआ और फिर यहां से यहां पे आके समाप्त हो जाता है। तो बल को तुरंत चारों तरफ फैलने में मदद ये जीभ करती है, पहली बार तो बल को फैलने में मदद करती है, दूसरे खुद ये अवशोषक का काम करती है लगने वाली ऊर्जा के, उसके खोपड़ी की हड्डी भी अवशोषक का काम करती है वो जो लगने वाली ऊर्जा होती है, तो इतनी सारी ऊर्जाओं को सोखने की क्षमता इसमें रहती है, और इसके मस्तिष्क की बनावट ऐसी होती है, शरीर की बनावट भी ऐसी होती है कि उस पर लगने वाले बल को मैंने बताया 1000वें हिस्से सेकेंड के 1000वें हिस्से से ज़्यादा देर तक नहीं रहता, उससे भी कम देर तक रहता है, तो तुरंत का तुरंत वो उसके असर को हटा देता है। इसलिए कठफोड़वा मजे से कट 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 दिन में 12000 बार कर पाता है, ये जानकर खुद ही चकित रह गए थे, लेकिन आज हमें समझ में आ गया कि हमारे इस छोटे प्यारे पक्षी वुड पैकर कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में कठफोड़वा कहते हैं, इसके सर में है मारा मारी करता है, उसके बावजूद भी दर्द क्यों नहीं होता, अब आप भी जान गए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, देखते रहिए हमारा चैनल जी कैसा। नमस्कार।